हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ गौरव शर्मा, और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपके सीएसआर, नेट, गेट, आईआईटी जैम और पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जो डील करती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। जबकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ डिस्कस करती है। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। तो चलिए, अगर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें, इसके लिए हमें दो स्पीसीज की ज़रूरत पड़ेगी। जो पहली स्पीसीज रहेगी वो रहेगी हमारी सेंट्रल सेंट्रल मेटल आयन। सबसे पहले जो स्पीसीज रहेगी वो क्या रहेगी, हमारी सेंट्रल मेटल आयन। और दूसरी जो स्पीसीज रहेगी वो हमारी रहेगी लाइगेंड। तो यहाँ पे दो स्पीसीज की हमको ज़रूरत पड़ेगी, सेंट्रल मेटल आयन की और लाइगेंड की। चलिए बात कर लेते हैं सेंट्रल मेटल आयन क्या होंगे। सेंट्रल मेटल आयन क्या रहेंगे, जो लोन पेयर गेन करेंगे, जो लोन पेयर को गेन करेंगे या फिर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करेंगे। या तो ये लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करने का काम करेंगे। जो आपके लाइगेंड होंगे ये लोन पेयर डोनर की तरह काम करेंगे, ये लोन पेयर डोनर की तरह काम करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं ये लोन पेयर को डोनेट करेंगे। चलिए, हमें पता है अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट, लुईस ने बोला जो लोन पेयर गेन कर लेते हैं उनको हम लुईस एसिड बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, हम लुईस एसिड। जो लोन पेयर गेन करेंगे उनको लुईस एसिड बोला जाएगा, जो लोन पेयर डोनेट करते हैं उनको लुईस बेस कहा जाता है, उनको लुईस बेस कहा जाता है। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो मेटल होगा वो बिहेव करेगा एज अ लुईस एसिड। कैसे बिहेव करेगा, एज अ लुईस एसिड। और जब आपके लाइगेंड होंगे, लाइगेंड कैसे बिहेव करेंगे, लाइगेंड कैसे बिहेव करेंगे, लुईस बेस की तरह। तो जो मेटल है वो तो बिहेव कर रहा है लुईस एसिड की तरह, और जो लाइगेंड है वो कैसे बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह। चलिए, अब होगा क्या, जो आपके लाइगेंड होंगे वो अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे मेटल के साइड। जो लाइगेंड होंगे वो अपने लोन पेयर मेटल के साइड डोनेट करेंगे, जिससे इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब लोन पेयर अपने डोनेट करेगा लाइगेंड मेटल को, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। अब देख लेते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होंगे। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वे स्पीसीज रहेंगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वे स्पीसीज रहेंगी जो अपने सब्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट नहीं देंगे, नॉट गिव टेस्ट फॉर इट्स सब्स्टिट्यूएंट आयन। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वे कंपाउंड रहेंगे जो अपने सभी आयन का टेस्ट नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, के फोर एफ ई सी एन सिक्स, जब इसको आयन में ब्रेक किया जाता है, जिसको आयन में ब्रेक करेंगे तो किस तरह से ब्रेक होगा, फोर के पॉजिटिव प्लस एफ ई सी एन सिक्स के ऊपर फोर नेगेटिव, तो ये कुछ इस तरह से ब्रेक हो गया। इस रिएक्शन में हमने देखा कि यहाँ पे के फोर एफ ई सी एन सिक्स ने पोटेशियम आयन का टेस्ट तो दिया, क्योंकि यहाँ पे आयन अलग हो गया है तो पोटेशियम का टेस्ट तो इसने दिया। लेकिन यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं स्पीसीज, ये अलग अलग डिसोसिएट नहीं हुआ, आयरन टू पॉजिटिव और सी एन में, ये इस तरह से ब्रेक डाउन नहीं हुआ। इसका मतलब इसने अपने सभी आयन का टेस्ट नहीं दिया है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल रहे हैं। तो वे कंपाउंड या फिर वो कॉम्प्लेक्स जो अपने सभी आयन का टेस्ट नहीं देते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड है, ठीक है। तो जो अपने आयन का टेस्ट नहीं देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें डबल सोल्ट की, बात कर लेते हैं कि डबल सोल्ट क्या रहेंगे। डबल सोल्ट की बात कर लेते हैं, वो सोल्ट जो डबल सोल्ट का बिहेवियर दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोर सोल्ट की बात कर लेते हैं, NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू FeSO4 इंटू 6H2। इसको हम बोलते हैं मोहर सोल्ट, दिस इज नोन एज मोहर सोल्ट। अगर इसकी हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें, जब इसको डिसोसिएट किया जाएगा तो कैसे डिसोसिएट होगा, NH4 पॉजिटिव में डिसोसिएट हो जाएगा, SO4 2 नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा और Fe2 पॉजिटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये जो सोल्ट है ये इसने अभी सब अपने सभी आयन का टेस्ट दिया है, इसने NH4 के लिए भी टेस्ट दे दिया है, SO4 के लिए भी दे दिया है और Fe के लिए भी दे दिया है। तो इसने अपने सभी आयन का टेस्ट दिया है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज नोन एज डबल सोल्ट। तो डबल सोल्ट में चीज़ें होंगी जो अपने आयन का टेस्ट दे देंगी, या फिर वो कंपाउंड होंगे जो अपने आयन का टेस्ट देंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वे स्पीसीज होते हैं, वे कॉम्प्लेक्स होते हैं, वे कंपाउंड होते हैं जो अपने सभी आयन का टेस्ट नहीं देते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट रहती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज रहेगी। नंबर वन सेंट्रल मेटल आयन। नंबर वन क्या रहेगी, सेंट्रल मेटल आयन। ये क्या होगा, इसमें एक मेटल होगी, कोई मेटल होगी और वो सेंटर में रहेगी और उससे क्या लगे रहेंगे, कोई लाइगेंड लगे रहेंगे कुछ इस तरह से। सेंटर में एक मेटल होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रहेगा, या तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। मेटल के ऊपर क्या चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल आयन क्या रहेगा, जो सेंटर में रहेगा और इससे सभी लाइगेंड जुड़े हुए रहेंगे। सेकंड बात कर लेते हैं लाइगेंड की, सेकंड बात कर लेते हैं लाइगेंड की। वो मैंने आपको पीछे बताया लाइगेंड क्या करेंगे, लोन पेयर को डोनेट करेंगे। लाइगेंड क्या करेंगे, लोन पेयर को डोनेट करेंगे। इसका मतलब हम बोल सकते हैं लाइगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, लाइगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। लाइगेंड क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज रहेंगी, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लाइगेंड, टाइप्स ऑफ लाइगेंड। लाइगेंड कितने टाइप के होते हैं, या फिर लाइगेंड को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है। तो टाइप्स ऑफ लाइगेंड, टाइप्स ऑफ लाइगेंड। चलिए तो पहला जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज है, चार्ज के बेसिस पे लाइगेंड को डिवाइड किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइगेंड, लाइगेंड विद नेगेटिव चार्ज, लाइगेंड विद नेगेटिव चार्ज, वे लाइगेंड जिनके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल Cl-, Cn-, SO4 2-, या फिर हम बोल सकते हैं ग्लाई NH2, CH2 और COO-। ये जो लाइगेंड है इन सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हम देख रहे हैं, इसलिए वो क्या बोलेंगे, लाइगेंड विद नेगेटिव चार्ज। सेकंड बात कर लेते हैं लाइगेंड जो कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे। सेकंड क्या रहेंगे हमारे, न्यूट्रल लाइगेंड, ऐसे लाइगेंड जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल H2O, NH3 और इथाइलिन डायमीन। तो इनमें आप देख सकते हैं कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इनके पास क्या रहेंगे, लोन पेयर रहेंगे। इनके पास हमें क्या देखने को मिलेंगे, लोन पेयर देखने को मिलेंगे, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल लाइगेंड बोल रहे हैं। थर्ड टाइप क्या रहेगा, वे लाइगेंड
जिनके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, लाइगेंड विद पॉजिटिव चार्ज, ऐसे लाइगेंड जिनके ऊपर क्या चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। फॉर एग्जाम्पल एनओ पॉजिटिव कोमा NH3, सॉरी NH2 NH3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये लाइगेंड हम देख सकते हैं इनके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये कैसे लाइगेंड होंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले। तो हमने लाइगेंड को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो ऐसे लाइगेंड जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो हमारे सी एन नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव और ग्लाई हो सकता है, दिस इज नोन एज ग्लाई। न्यूट्रल लाइगेंड वो लाइगेंड होंगे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, इनके पास लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। ऐसे लाइगेंड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जैसे NO पॉजिटिव NH2 NH3 पॉजिटिव, इनको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज लाइगेंड। ठीक है, चलिए ये तो हमने चार्ज के बेसिस पे इसको डिवाइड किया। अब हम सेकेंड टाइप देखेंगे, सेकेंड टाइप हम देख लेते हैं। तो सेकेंड टाइप रहेगा हमारा डेंटिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। सबसे पहले इसको समझते हैं कि डेंटिसिटी क्या होता है। तो डेंटिसिटी को थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेंटिसिटी क्या है। डेंटिसिटी डेंटिसिटी क्या रहेगी, डेंटिसिटी इज द नंबर ऑफ लोन पेयर, डेंटिसिटी इज द नंबर ऑफ लोन पेयर या फिर नंबर ऑफ डोनर एटम, नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच विद मेटल। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट डोनेट बाई लाइगेंड। ठीक है, डेंटिसिटी क्या होगा कि लाइगेंड ने कितने लोन पेयर डोनेट किए हैं उसको उसके डेंटिसिटी बोलेंगे, या फिर नंबर ऑफ डोनर एटम जो मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच है उसको क्या बोलेंगे, डेंटिसिटी बोला जाएगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी हमने लाइगेंड को डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल मोनोडेंटेट, फॉर एग्जाम्पल मोनोडेंटेट मोनोडेंटेट हो सकता है, बाइडेंटेट हो सकता है, बाइडेंटेट हो सकता है, बाइडेंटेट हो सकता है, ट्राइडेंटेट हो सकता है, ट्राइडेंटेट टेट्राडेंटेट हो सकता है, टेट्राडेंटेट हो सकता है, पेंटाडेंटेट हो सकता है, पेंटा डेंटेट, और लास्ट हमारा हो जाएगा हेक्साडेंटेट। ठीक है, तो डेंटिसिटी के बेसिस पे लाइगेंड को डिवाइड कर दिया गया है, मोनोडेंटेट बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट टेट्राडेंटेट पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट। चलिए अब सभी को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा मोनोडेंटेट, नंबर फर्स्ट क्या है, मोनो डेंटेट। मोनोडेंटेट में क्या होगा कि ये वन लोन पेयर डोनर होगा, ये क्या रहेगा आपका, वन लोन पेयर डोनर रहेगा, या फिर वन डोनर एटम मेटल के साथ बाइंड रहेगा, मेटल के साथ बाइंड रहेगा। ठीक है, या तो एक एक लोन पेयर डोनेट करेगा या फिर इसका एक डोनर एटम मेटल के साथ बाइंड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेटल के साथ कोई लाइगेंड जुड़ा है और वो केवल क्या करे, एक लोन पेयर ही डोनेट करे, वो क्या करे, वो एक लोन पेयर ही डोनेट करे। तो देख लेते हैं क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे सी एन नेगेटिव हो सकता है, सी एन नेगेटिव हमारा मोनोडेंटेट में आएगा, सी एन नेगेटिव होगा, हो सकता है सी एन नेगेटिव हो सकता है, NH3 हो सकता है और H2 हो सकता है, NH3 और H2 हो सकता है। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं मेटल के साथ अगर सी एल जुड़ा है तो ये अपना एक ही लोन पेयर इसको डोनेट करेगा,
या फिर मेटल के साथ साइनाइड जुड़ा है तब भी अपना एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर हम NH3 की बात करें तो NH3 के पास एक लोन पेयर है, और जब ये मेटल के साथ जुड़ेगा तो अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। उसी तरह से ऑक्सीजन जो पानी का है, वाटर का है, वो भी अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। तो ये सभी जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखे हैं, दीज आर ऑफ मोनोडेंटेट। जब लाइगेंड अपना एक लोन पेयर या फिर एक डोनर एटम मेटल के साथ बाइंड करें तो इसको क्या बोल रहे हैं हम कि ये क्या रहेगा हमारा, मोनोडेंटेट। चलिए अब बात कर लेते हैं बाइडेंटेट की। बाइडेंटेट की बात कर लेते हैं, बाइडेंटेट क्या होंगे। बाइडेंटेट में क्या रहेगा, जब एक लाइगेंड अपने दो लोन पेयर मेटल को डोनेट करे, जब एक मेटल अपने दो लोन पेयर मेटल को डोनेट करे, या फिर इसके दो डोनर एटम मेटल के साथ बाइंड करते हैं, मेटल के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है। या तो क्या रहे, दो लोन पेयर डोनेट करें या फिर दो डोनर एटम मेटल के साथ बाइंड कर जाए। फॉर एग्जाम्पल C2O4 टू नेगेटिव, दिस इज ऑक्सलेट, SO4 टू नेगेटिव, ये हो सकता है आपका, और ग्लाइसिन हो सकता है, ठीक है। ग्लाइ दीज आर ऑफ टाइप बाइडेंटेट। जैसे C2O4 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, दिस इज ऑक्सलेट, इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इस तरह से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या है कि ये लाइगेंड दो जगह से मेटल को बाइंड कर सकता है, ये क्या कर सकता है, दो जगह से बाइंड कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, बाइडेंटेट, या फिर अपने दो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। SO4 की बात कर लेते हैं तो SO4 में भी क्या होगा, दो ऑक्सीजन एटम होंगे जो कि मेटल को अपने लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये भी बाइडेंटेट है क्योंकि इसके दो एटम मेटल के साथ बाइंड हो रहे हैं। और ग्लाई की अगर बात करें तो ग्लाई कुछ इस तरह से होता है, NH2CH2COO-, तो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो मेटल को ये दो साइड से बाइंड कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बाइडेंटेट। चलिए ट्राइडेंटेट की बात कर लेते हैं, ट्राइडेंटेट क्या होगा। ट्राइडेंटेट के बारे में देख लीजिए, ट्राइडेंटेट में क्या होगा कि जब लाइगेंड अपने तीन लोन पेयर डोनेट करे, जब लाइगेंड अपने तीन लोन पेयर डोनेट करे, या फिर थ्री डोनर एटम मेटल से अटैच हो जाए, चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एनएच CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2। अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें तीन नाइट्रोजन एटम हैं जिनके पास क्या है, लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, और एक ये भी है जिसके पास लोन पेयर है। तो ये लाइगेंड मेटल को तीन साइड से ये बाइंड कर सकता है, यहाँ से बाइंड कर सकता है, यहाँ से बाइंड कर सकता है, और यहाँ से बाइंड कर सकता है, या फिर ये लाइगेंड अपने तीन लोन पेयर मेटल को डोनेट कर सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि तीन डोनर एटम को मेटल के साथ बाइंड कर सकता है, इसलिए एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, ट्राइडेंटेट का, ठीक है। उसी तरह से टेट्राडेंटेट देख लेते हैं, टेट्राडेंटेट कैसे काम करेगा, टेट्राडेंटेट देख लेते हैं। टेट्राडेंटेट में क्या होगा कि जो डोनर एटम होंगे वो कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, डोनर एटम हमारे कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, कुछ इस तरह से। इस बार डोनर एटम कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, तो डोनर एटम हो गए हैं इस बार चार। इसमें इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और इसके पास लोन पेयर है। तो होता क्या है कि नाइट्रोजन यहाँ से भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये वाला यहाँ से डोनेट करेगा,
ये वाला यहाँ से डोनेट करेगा और ये वाला यहाँ से डोनेट करेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे ये लाइगेंड कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, फोर लोन पेयर डोनेट कर रहा है, या फिर इसके फोर डोनर एटम मेटल के साथ बाइंड हो रहे हैं, इसलिए किसका एग्जाम्पल है, ये टेट्राडेंटेट का ये एग्जाम्पल है। चलिए लास्ट की बात कर लेते हैं, लास्ट है हमारा हेक्साडेंटेट, लास्ट इज हेक्सा डेंटेट, लास्ट हमारा क्या है, हेक्सा डेंटेट है। तो हेक्सा डेंटेट में क्या रहेगा, जब लाइगेंड के सिक्स लोन पेयर डोनेट होते हो या फिर सिक्स डोनर एटम मेटल के साथ बाइंड करते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सा डेंटेट। फॉर एग्जाम्पल EDTA, फॉर एग्जाम्पल EDTA, तो EDTA की बात कर लेते हैं, ये क्या होता है हमारा इथाइलीन, दिस इज इथाइलीन डायमीन, इथाइलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड। तो EDTA हमारे क्या रहेगा, इथाइलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, CH2, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, क्योंकि बोल रहा है इथाइलीन तो बोले तो दो कार्बन, डायमीन बोले तो दो नाइट्रोजन, इथाइलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड। तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें इस बार डोनर साइट आपको कितनी दिखाई देती है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, उसी तरह से यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार क्या होगा, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर यहाँ से डोनेट कर सकते हैं और ये चार ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज से इसको लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो मेटल कितनी साइड से बाइंड हो गया है, मेटल कितनी साइड से बाइंड हो गया है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो मेटल सिक्स साइड से बाइंड हुआ है, इसलिए EDTA किसका एग्जाम्पल है, EDTA किसका एग्जाम्पल है, EDTA इज हेक्साडेंटेट, ये कैसा है, हेक्साडेंटेट। बोले तो ये सिक्स लोन पेयर को डोनेट कर रहा है मेटल को, ठीक है। चलिए लास्ट टाइप देख लेते हैं, लास्ट टाइप देख लेते हैं लाइगेंड का, लास्ट टाइप देख लेते हैं, दिस इज एम्बीडेंटेट लाइगेंड, एम्बी डेंटेट लाइगेंड, एम्बीडेंटेट लाइगेंड को देख लेते हैं। देखिए एम्बीडेंटेट लाइगेंड वो लाइगेंड होते हैं जो मेटल को एक से ज्यादा साइड से बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CN, CN। अब CN में क्या है कि ये लाइगेंड मेटल को कार्बन की साइड से भी बाइंड कर सकता है और ये सेम लाइगेंड मेटल को नाइट्रोजन की साइड से भी बाइंड कर सकता है। तो ऐसे लाइगेंड जो अपना कोऑर्डिनेशन चेंज कर सकते हो एटम के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बिडेंट लाइगेंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया CN में मेटल के साथ कार्बन भी अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन भी अटैच हो सकता है। तो वे लाइगेंड जो अपनी बॉन्डिंग या फिर अपना कोऑर्डिनेशन चेंज कर सकते हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्बिडेंटेड लाइगेंड बोल रहे हैं। अगर CN लगा है तो उसको बोलते हैं साइनाइड, दिस इज साइनाइड। लेकिन अगर NC लगा है तो उसको बोलते हैं क्या, आइसोसाइनाइड, ठीक है। इस तरह से और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट्रो, हम मेटल के साथ नाइट्रेट ग्रुप लगा है तो इसकी बॉन्डिंग के दो तरीके हो सकते हैं, हो सकता है मेटल नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली बाइंड हो, ये हो सकता है, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हो सकता है मेटल ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो। तो इस लाइगेंड में हम देख सकते हैं इसने अपनी बॉन्डिंग चेंज कर ली है, एक बार तो इसने कोऑर्डिनेट किया नाइट्रोजन की साइड से, दूसरी बार इसने कोऑर्डिनेट किया ऑक्सीजन की साइड से, इसलिए ये कैसा हमारा एग्जाम्पल रहेगा, एम्बीडेंटेट लाइगेंड। तो एम्बीडेंटेट लाइगेंड वे लाइगेंड होते हैं जो अपनी लिंकेज को चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल CO भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल CO। जैसे यहाँ पे इस बार कार्बन ने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन मेटल के साथ बॉन्ड बनाने लगे,
है। तो होता क्या है, वे लाइगेंड जो अपनी बॉन्डिंग को चेंज कर सकते हो, अपने कोऑर्डिनेशन को चेंज कर सकते हो, या फिर कोऑर्डिनेट एटम को चेंज कर सकते हो, उसको हम बोलेंगे एम्बीडेंटेट लाइगेंड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल SCN हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, मेटल के साथ SCN भी जुड़ सकता है सल्फर की साइड से, और मेटल के साथ नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है इस तरह से। तो जो NCS है वो अपनी बॉन्डिंग को चेंज कर रहा है, आप देख सकते हैं इसमें सल्फर के साथ बॉन्डिंग है, इसमें नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग है। तो हम बोल सकते हैं NCS इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बीडेंटेट लाइगेंड। तो एम्बीडेंटेट लाइगेंड क्या रहेंगे, जो अपनी कोऑर्डिनेशन को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कोऑर्डिनेट एटम को चेंज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सीडेंटेट लाइगेंड। फ्लेक्सीडेंटेट लाइगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लाइगेंड वे लाइगेंड होते हैं जो अपनी डेंटिसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, जो अपनी डेंटिसिटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर इसको डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइगेंड होंगे जो अपनी डेंटिसिटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल NO3-। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर सकता है। ये कैसे बिहेव कर सकता है, एज अ मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर सकता है, और ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर सकता है, और ये बाई डेंटेट की तरह भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे लाइगेंड जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर ले, या फिर बोल सकते हैं कि जो अपनी डेंटिसिटी को या तो बढ़ा ले या फिर क्या करे, इसको डिक्रीज कर ले, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा लाइगेंड है, ये फ्लेक्सीडेंटेट लाइगेंड है। ठीक है, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, ये फ्लेक्सीडेंटेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसमें हम SO4 भी ले सकते हैं, SO4-2 भी मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट की तरह काम करता है। ठीक है, तो हमने लाइगेंड को क्लासिफाइड किया, कैसे कैसे हमने इसको क्लासिफाइड किया, पहले हमने इसको चार्ज की बेस पे क्लासिफाइड किया, पॉजिटिव चार्ज वाले हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले हो सकते हैं, और न्यूट्रल हो सकते हैं। उसके बाद हमने इसको डेंटिसिटी के उससे देखा कि डेंटिसिटी मोनोडेंटेट हो सकता है, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, है ना, इस तरह से इसको हम क्लासिफाइड कर रहे हैं। उसके बाद हमने एम्बीडेंटेट देखा कि एम्बीडेंटेट टाइप क्या होता है, जो अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर को कोऑर्डिनेशन को क्या कर ले, चेंज कर ले। और लास्ट वाला फ्लेक्सी डेंटेट पड़ा, जो क्या करेगा, अपनी डेंटिसिटी को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज चीलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है चीलेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज चीलेशन। अब चीलेशन क्या होता है, चीलेशन क्या है, ये एक रिंग फॉर्मेशन प्रोसेस होता है। दिस इज अ रिंग फॉर्मेशन प्रोसेस, दिस इज अ रिंग फॉर्मेशन प्रोसेस। इसमें रिंग बनती है, इसमें क्या बनेगी, रिंग बनेगी, रिंग फॉर्मेशन प्रोसेस होता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि हम मोनोडेंटेट लाइगेंड को पॉलीडेंटेट लाइगेंड से चेंज कर देते हैं। पॉलीडेंटेट से इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। मोनोडेंटेट लाइगेंड के जहां हम क्या लेके आएंगे, पॉलीडेंटेट लाइगेंड लेके आएंगे, जिससे मोनोडेंटेट लाइगेंड रिप्लेस हो जाएंगे पॉलीडेंटेट लाइगेंड के साथ, और रिंग फॉर्मेशन होगी। जैसे ही रिंग फॉर्मेशन होगी, वैसे वैसे हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबिलिटी को गेन करेगा। जैसे चेलेशन होगा, वैसे क्या होगा, जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा वो स्टेबिलिटी को चेंज करेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि चेलेशन क्या है, एक फिनोमिना है जो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि इसमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है। इसमें क्या होती है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है, और जो एंथैल्पी है या फिर जो हीट है वो क्या होती है, यहाँ से रिलीज होती है। ठीक है, हीट रिलीज होती है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो हम बोल सकते हैं ओवरऑल कि चिलेशन जब भी होगा, जो मेटल कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। चलिए इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे अगर हम किसी मोनोडेंटेट लाइगेंड को किसी बाइडेंटेट लाइगेंड से
रिप्लेस कर लेते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल कोई मेटल है और उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से जोड़े गए हैं और वो 6 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ। मैंने आपको बताया जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है दिस इज अ मोनोडेंटेट लाइगेंड। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने इसके अंदर कोई बाइडेंटेट लाइगेंड लगा दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर इथाइलिन डायामीन लगा दिया, इथाइलिन डायामीन CH2 CH2 NH2 और इधर भी NH2, दिस इज बाइडेंटेट। ये लाइगेंड कैसा है, बाइडेंटेट। अब क्या होगा इस केस में, ये जो बाइडेंटेट लाइगेंड है ये इन मोनोडेंटेट लाइगेंड को हटाएगा। ये क्या करेगा, मोनोडेंटेट लाइगेंड को हटा देगा और उनकी जगह पे खुद आके लग जाएगा। चलिए देखिए कैसे, ये क्या करेगा किन्हीं दो मोनोडेंटेट लाइगेंड को उनकी जगह से हटा देगा, किन्हीं दो मोनोडेंटेट लाइगेंड को उनकी जगह से हटा देगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये दो लोन पेयर डोनेट कर रहा है। ये दो दो लोन पेयर डोनेट करेगा। ये जो आपके पानी है ये कितना लोन पेयर डोनेट करेंगे, सिंगल सिंगल डोनेट करेंगे। तो इसका ये बोल सकते हैं कि जो इथाइलिन डायामीन है वो दो वाटर के मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर सकता है। तो कुछ इस तरह से इसको ये रिप्लेस कर देगा, इस तरह से ये रिप्लेस कर देगा। और साथ में क्या होगा, ये जो दो पानी के मॉलिक्यूल हैं ये यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। यहाँ से जो पानी के दो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये रिलीज हो जाएंगे H2O। तो हमने देखा कि यहाँ पे बाइडेंटेट लाइगेंड ने मोनोडेंटेट लाइगेंड को रिप्लेस कर दिया है, और साथ में हमें एक रिंग देखने को मिल रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिंग बन गई है, और रिंग कितने मेंबर रिंग बनी है, 5 मेंबर। ये कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग देखने को मिल रही है। जैसे जैसे रिंग बढ़ती जाएंगी, इसको चिलेटिंग रिंग बोलते हैं, जैसे जैसे चिलेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिंग फॉर्मेशन बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे हमारी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं एंट्रोपी की। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो रिएक्टेंट में मेरे को केवल दो मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं, एक मॉलिक्यूल ये पूरा है, एक मॉलिक्यूल ये पूरा है। तो रिएक्टेंट साइड कितने मॉलिक्यूल हैं, दो मॉलिक्यूल हैं। लेकिन हम प्रोडक्ट साइड देखें तो एक मॉलिक्यूल ये बन के तैयार हुआ है और दो मॉलिक्यूल पानी के बने हैं, तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, 3 है। तो हमने देखा रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल दो थे, हमारे प्रोडक्ट में रिएक्टेंट और सॉरी प्रोडक्ट में जो मॉलिक्यूल है वो 3 है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो इंक्रीज हो गए हैं। अगर मॉलिक्यूल इंक्रीज होते हैं तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और जैसे ही एंट्रोपी बढ़ेगी वैसे ही हमारे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा चिलेशन। चिलेशन क्या होता है, जब हम किसी मोनोडेंटेट लाइगेंड को पॉलीडेंटेट लाइगेंड से रिप्लेस कर देते हैं तो वहाँ पे रिंग फॉर्मेशन होती है, और जब रिंग फॉर्मेशन होती है तो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की बढ़ जाती है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इट इज अ नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड फॉर्म्ड बिटवीन बिटवीन लाइगेंड एंड मेटल, बिटवीन लाइगेंड एंड मेटल। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि लाइगेंड और मेटल के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, या फिर और नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट बाई बाई अ लाइगेंड बाई अ लाइगेंड टू मेटल। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा आपका, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन लाइगेंड्स एंड मेटल, या फिर नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट बाई अ लाइगेंड टू मेटल। फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6,
चलिए, अगर इसमें हम आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट आगे आएगा। चलिए इसको देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आयरन है, आयरन के साथ कितने साइनाइड लगे हैं, आयरन के साथ कितने साइनाइड लगे हैं, CN 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 और CN। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके साथ 6 साइनाइड लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इस आयरन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6 है, क्योंकि इसके साथ कितने साइनाइड लगे हुए हैं, 6 साइनाइड लगे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसके पास 6 साइनाइड हैं जो अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन लिगेंड एंड मेटल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। अगर 6 बॉन्ड बन रहे हैं मेटल और लाइगेंड के बीच में, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इस कॉम्प्लेक्स का वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। कोबोल्ट लिया, EN3 लिया, के ऊपर 3 पॉजिटिव। अब EN क्या है, EN इज द इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने आपको पीछे बना के इसका दिखाया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन डायमीन। मैंने बताया था आपको इथाइलिन डायमीन इज अ बाइडेंटेट लाइगेंड, मतलब ये मेटल को दो जगह से बाइंड कर सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं ये दो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक इथाइलिन दो लोन पेयर डोनेट करेगा। यहाँ पे टोटल इथाइलिन डायमीन कितने हैं, 3 है। इसका मतलब 3 इथाइलिन डायमीन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, कितने लोन पेयर डोनेट करेंगे, 6 डोनेट करेंगे। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं इथाइलिन डायमीन इज अ बाइडेंटेट, बाइडेंटेट ये दो जगह से मेटल को बाइंड करता है। तो 3 EN कितनी जगह से बाइंड करेंगे, 6 साइड से इसको बाइंड कर लेंगे। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कोबोल्ट EN3 पॉजिटिव में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6 है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल भी लेते हैं। चलिए MgEDTA ले लेते हैं, MgEDTA ले लेते हैं, और EDTA और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हम लगाते हैं। ठीक है, 2 नेगेटिव। अब इसमें देखिए जो EDTA है, EDTA मैंने बताया दिस इज हेक्सा डेंटेट। EDTA क्या है, हेक्सा डेंटेट है। और EDTA अगर हेक्सा डेंटेट है, इसका मतलब ये है कि इसके छः डोनर एटम मेटल के साथ बॉन्डिंग करते हैं, मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मेटल के साथ इसके 6 एटम जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसमें जो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो डिपेंड करता है डेंटिसिटी पे। लाइगेंड की जितनी डेंटिसिटी होती है उतना ही मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है। जैसे अगर हम बात करें NiCO4 की, अगर हम बात करें NiCO4 की, तो NiCO4 में क्या है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो तो मोनोडेंटेट है, दिस इज मोनोडेंटेट, ये एक मोनोडेंटेट है। तो टोटल लाइगेंड कितने हैं, 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, मेटल का 4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम बात करें FeCO5 की, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 लाइगेंड इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें सैरिक अमोनियम नाइट्रेट की, सैरिक अमोनियम नाइट्रेट देख लेते हैं, NH4 का होल ट्वाइस होता है, 2 पॉजिटिव। और यहाँ पे हमने सीरियम लिया हुआ है, सीरियम NO3 6। ये अगर हम इसमें देखें जो नाइट्रेट होता है दिस इज बाइडेंटेट, ये किस तरह काम करता है, यहाँ पे बाइडेंटेट की तरह काम करता है, एक NO3 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर एक NO3 बाइडेंटेट है, एक NO3 कैसा है, बाइडेंटेट, तो 6 NO3 कितना कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाएंगे, 12। एक दिखाएगा 2, 6 दिखाएंगे 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब ये है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर
जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 आता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, टेट्रा हेड्रल। उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, टेट्रा हेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर, या फिर कैसा, स्क्वायर प्लेनर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आता है तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 आता है तो क्या आएगा स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 7 आता है तो क्या हो जाएगा, पीबीपी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमारा 8 आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 8 आता है तो क्यूबिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक हो सकता है, एंटी प्रिज्मेटिक। ठीक है, हेक्सागोनल बाय पिरामिडल हो सकता है, हेक्सागोनल बाय पिरामिडल ये भी हो सकता है, या फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, डोडोकेन, डो डके। तो इस तरह से स्ट्रक्चर रहेंगे जब कोऑर्डिनेशन नंबर हमको पता हो। तो इस तरह से हमने देखा, अगर हमें किसी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल जाता है तो हम इजीली ये बता पाते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के फोर एफ ई सी एन सिक्स है, फॉर एग्जाम्पल के फोर एफ ई सी एन सिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, देखिए ये जो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर होता है इसको बोलते हैं काउंटर आयन। सो हम क्या बोलेंगे, काउंटर आयन, जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर होता है इसको बोलते हैं काउंटर आयन। ये जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है, ये जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका काउंटर आयन होता है ये क्या करता है, ये चार्ज को स्टेबलाइज करने का काम करता है, चार्ज को स्टेबलाइज करने का ये काम करता है। ठीक है, या फिर ये वैलेंसी को भी, वैलेंसी जो होती है उसको भी ये बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वार्नर थ्योरी, वार्नर की थ्योरी को हम पढ़ेंगे, वार्नर ने क्या बोला, वार्नर की थ्योरी पढ़ेंगे जो रिलेटेड रहेगी आपकी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी से। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, और यहाँ पे मैं कंप्लीट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सिलेबस अपलोड करूँगा, और धीरे धीरे हम सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जैम और पीजीटी का भी कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।